नमस्कार, हमारे लोकप्रिय शो वीकेबी स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीकेबी स्पेशल में आज हम बात करेंगे राज्य में लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन की, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक बार फिर एहतियातन गाइडलाइंस जारी कर दी है। जी हाँ, राज्य में एक बार फिर से न केवल नाइट कर्फ्यू लग चुका है, बल्कि शादी समारोह, राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा नागपुर में चल रहे खासदार महोत्सव को भी आयोजकों द्वारा स्थगित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने धारा 144 भी लागू कर दी है। ज्ञात हो कि इन दिनों कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा पूरे देश के साथ शहर पर मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक घूमने फिरने पर बंदिश लागू कर दी है। सार्वजनिक स्थानों पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 से अधिक लोगों के जुटने पर प्रतिबंध है। विवाह समारोह के लिए बंद हॉल में लोगों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए और खुले स्थान में यह संख्या 250 से अधिक या क्षमता का 25%, जो भी कम हो उससे अधिक न हो। अन्य सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक आयोजकों के लिए भी लोगों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी और खुले स्थान में यह संख्या 250 तक रखी गई है। सभी नियम व प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से शुक्रवार रात से ही लागू हो गए हैं। बता दें कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह नया वेरिएंट अब तक 110 देशों में पैर पसार चुका है। भारत में भी इससे जुड़े मरीज पाए गए हैं, जिससे महाराष्ट्र राज्य 108 मामलों के साथ देश में अव्वल नंबर पर है। वहीं नए नियमों के कारण नागपुर में जारी खासदार सांस्कृतिक महोत्सव को स्थगित कर दिया गया है, जबकि पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने भी साफ संकेत दिए हैं कि नागपुर शहर में शनिवार से सख्ती बढ़ती जाएगी, जबकि नागरिकों से पुलिस आयुक्त ने कड़े नियमों का पालन करने का आह्वान किया है। जो ये नाइट कर्फ्यू आज से लगाई गई है, इसमें रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की जमाव पे बंदी लगाई गई है। सभी प्रकार के जो होटल एस्टैब्लिशमेंट्स, मॉल्स इत्यादि जो भी हैं, ये रात को 9 बजे के पहले बंद होने होंगे। उसके बाद सिर्फ ऑनलाइन फूड डिलीवरी शुरू रह सकता है। लोग अनावश्यक बाहर नहीं निकलें और क्रिसमस और न्यू ईयर के जो भी पार्टीज़ की परमिशन दी गई थी, वो सभी की जो टाइम पहले 12 बजे तक थी, वो कल के गाइडलाइंस आने के बाद सभी की टाइम रात को 9 बजे तक रहेगी। 9 बजे तक भी जो भी आयोजन होगा, जो गाइडलाइंस में दिए गए हैं कि 50% कैपेसिटी के अंतर्गत होना चाहिए, या जो टाइम लिमिट्स, जो नंबर ऑफ अटेंडीज की जो लिमिट्स दी गई है, वो सभी को पालन करना होगा। एकंदरित कोविड की जो बढ़ती हुई प्रमाण है शहर में और राज्य में और दूसरे जगह पे, उसको ध्यान में रखते हुए निर्बंध लोगों को पालन करना आवश्यक रहेगा और उसके लिए पुलिस यंत्रणा इन्फोर्स करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मैंने बताया, जो भी प्रोग्राम्स पहले, जैसे 2019 में सुबह 3-4 बजे तक की परमिशन थी, अभी कल के पहले जो एस्टैब्लिशमेंट्स को 12 बजे तक की टाइम थी, वो सभी को अब मॉडिफाई करके रात को 9 बजे तक की ही एस्टैब्लिशमेंट्स को परमिशन रहेगी। कोई भी, जो भी होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ईटिंग हाउसेस, एस्टैब्लिशमेंट्स, दुकानें, सभी को बंद होने की टाइम 9 बजे की रहेगी। 9 बजे के पहले सभी कुछ बंद हो जाएंगे। राज्य में शादी समारोह, क्रिसमस, 31st, न्यू ईयर से खुशनुमा और उत्साह भरा माहौल के बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण अचानक जारी हुई गाइडलाइंस पर जनता की क्या राय है, देखिए। बंद लावून राहिले आहे ते तर ठीक आहे म्हणा, पण एकदम लॉकडाऊन जे लावायचं आहे हे आहे, एकदम लॉकडाऊन नाही राहिलं पाहिजे। थोडं दुकानवाल्यासाठी जसं टायमिंग आहे, टायमिंग थोडा कमी झाला तर चालेल। जे आता या 31st जे पेशंट वाढून राहिले आहे, त्या 31st त्यांनी टायमिंग थोडा आता नाईट कर्फ्यू लावला आहे आता, तर याच्यानंतर जे हळूहळू जे निर्बंध आणखी सिटी हे होणार आहे, वाढणार आहे, ते जे निर्बंध आहे ते एकदम टायमिंग दुकानाचा तो कमी केला तर चालेल, पण एकदम लॉकडाऊन नाही केलं पाहिजे, नाही लॉकडाऊन नाही लागलं पाहिजे। सर, फिलहाल मी तो लॉकडाऊन लगने को नहीं हूँ ना, टाइमिंग भले ही कम होगा तो चलेगा सर। टाइमिंग अगर कम होगा तो अपन जो इसमें जो कमा रहे उसमें घर
चला सकते हैं। अगर पूरा फुल लॉकडाउन अगर लगा तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे सर, इसीलिए हमारी निवेदन है सरकार से ये है कि टाइम भले ही कम कर दो लेकिन फुल लॉकडाउन ना लगाओ सर, क्योंकि हमारी रोजी रोटी इनके ऊपर ही चलती है सर। क्योंकि हम जो पहले लॉकडाउन लगा था इसमें हम बहुत प्रॉब्लम में आए सर, बाहर से पैसे ला ला के घर चलाए हमने, और वो अभी तक हम दे नहीं पा रहे सर। सर एक तो रात को उतनी गर्दी रहती ही नहीं है तो कर्फ्यू का कुछ फ़ायदा नहीं होगा ऐसा तो भी मुझे लगता है। होना चाहिए तो दिन के टाइम में 2 से 3 घंटा तो भी, मतलब जो इनिशियल टाइम होता है जिस टाइम पे लोग ज़्यादा बाहर निकलते हैं। नहीं वो तो बराबर है क्योंकि शादियों में अक्सर ज़्यादा भीड़ होती है तो उन पे वो 100 लोगों का होना चाहिए, मतलब ज़्यादा गर्दी नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम। हाँ वो तो खैर बता नहीं सकते क्योंकि वैक्सीनेशन तो मेरा भी हो चुका है, लेकिन जो नया वेरियंट आया है ओमिक्रॉन उसके ऊपर मतलब अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, लेकिन अपन प्राइमरी अपना जितना बचा हो सकता है उतना कर सकते हैं। कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए ना, पहले ही कर्फ्यू लग लग के सब परेशानी में आ गए। लॉकडाउन नहीं लग रहा है, 9 बजे के बाद आप व्यापार नहीं कर पाएंगे। अच्छा लॉकडाउन नहीं है, ठीक है ना, वो भी ठीक है ना, उस पर कोई अपने को ये नहीं है। 9 के बाद लगा भी तो ठीक है, 9 से सुबह 6 बजे तक लग रहा है ना। ओमिक्रॉन का जिस तरह से जो बर्ड है, जो भी निर्देश दिए गए हैं वो सही हैं, गाइडलाइन के हिसाब से हमें पालन करना चाहिए। हालांकि अभी हमें जानकारी नहीं थी इसकी, मैं बाहर से आया हूँ यहाँ पर ना, तो अब जैसा होगा देखते हैं, जो भी निर्देश होंगे वो फॉलो करेंगे। बहुत अच्छा है क्योंकि जितने जल्दी हम लोग सेफ्टी बरते वो ज़्यादा बेटर है, एंड दिस इज़ गुड थिंग फॉर दी, मतलब जो डिसीजन सरकार ने ली वो काफ़ी अच्छी है और पब्लिक के लिए भी है, उस चीज़ को समझना चाहिए। लाइक अभी भी देख सकते हो कितनी पब्लिक है, सेफ्टी तो आप देख ही रहोगे, तो दैट इज़ गुड थिंग कि वो अपनी मतलब पहले से ही सतर्कता बरत रहे हैं। लास्ट टाइम जैसे वो सिचुएशन आया दैट्स वाई, तो पब्लिक को भी वो रूल्स फॉलो करने चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी नहीं लगाना चाहिए, पहले ही 2 साल से तो बहुत लोग का मतलब नुकसान हो चुका है, कुछ लोग तो मतलब घर में रहते थे। नाइट कर्फ्यू है सर, नाइट कर्फ्यू है, सुबह नहीं है। हाँ रात को 9 से सुबह 6 बजे नाइट में भी तो लोगों का काम चालू रहता है ना फिर भी। अरे जब कोरोना इतना सर लॉकडाउन था तो इतनी भीड़ नहीं थी। अच्छा। और यहाँ पे देखो कोरोना कम हो गया, लोगों का ऐसा लगता है शायद नहीं लगता है, किसी के मुंह पर मास्क है और किसी के मुंह पर मास्क नहीं है। जब कोरोना है तो इतनी सेफ्टी रहती थी, पुलिस आते थे डंडे लेकर, जो भी गाड़ी में जाते दिखता था गाड़ी में तो डंडे से मारते थे। अब नहीं है वैसा, क्योंकि कोरोना कम हो गया ऐसे पुलिस वालों को भी लगता है, बट ऐसा नहीं है। कोरोना कम हुआ ना, अभी तीसरी लट आ रही है बोलते न्यूज में इतना दिखाते, बट जब तक लोगों को मारते नहीं तब तक लोग समझते नहीं, वो है ना लातों की बहुत बातों से नहीं मानते वैसी बात है। और मैं भी मोदी से तो बहुत कन्विंस करूंगी, जैसे पहले लॉकडाउन लगा था ना सर वैसे अभी भी लगा दो, कोरोना पूरा खत्म नहीं हुआ है। मोदी जी को कब समझ आएगा, जब वैसे हॉस्पिटल ज्यादा भर जाएंगे, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेंगे, तब लॉकडाउन लगेगा पूरा लॉकडाउन। और जैसे बाकी लोगों की नौकरी छुट्टी थी, मेरे पापा की भी नौकरी थोड़ी बहुत छुट्टी है और मेरे भी छुट्टी है, तो उससे कुछ नहीं। अच्छा किया मोदी जी ने जो लॉकडाउन लगता, बट अब क्यों नहीं, अब देख इतनी भीड़ है, पुलिस भी नहीं दिखती, ट्रैफिक वाले भी नहीं दिखते, ऑटो में तब बैठते बस में कितनी भीड़ होती है, पहले नहीं थी, अब वैसा क्यों नहीं है। जब तक तीसरी लौट आएंगी ज़्यादा कोरोना बढ़ेगा तभी ऐसा होगा। हाँ सही है, वो बोलते हैं ना नागपुर की मेंटेलिटी वैसी होती है, वैसी अपनी है बस। लेकिन अभी आपने इतना कहा, लेकिन आपको एक बात, सरकार को लगता होगा कि 2 डोजेस तो वैक्सीन की लग चुकी है। हाँ इसके लिए वो सरकारें अभी निश्चिंत हो गई होंगी, उस पर क्या कहेंगे आप? सरकार को लगता है कि 2 वैक्सीन निकल गई, वैक्सीन निकल गई, जिसने वैक्सीन ली एक मतलब जरूरी है कि इसको कोरोना दोबारा नहीं होगा। फिर लोगों को लगता है मैंने फर्स्ट डोज सेकंड डोज ले ली तो मैं आराम से घूम सकता हूँ, मास्क भी पहन सकता हूँ, नहीं तो नहीं भी पहन सकता, बट वैसा नहीं है। वैक्सीन इसलिए दिए कि ज़्यादातर मतलब कोरोना नहीं हो सके, सेफ्टी के लिए। कोई बोलता है वैक्सीन लेने से 1 साल में 2 साल में कुछ दिनों में मर जाएगा, बट वैसा नहीं है, मैंने भी फर्स्ट डोज ली है। कहना है कि अभी सभी जगह पर वैक्सीनेशन वगैरह हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए अभी, क्योंकि हम भी स्कूल में जॉब करते हैं तो स्कूल के बच्चों का भी बहुत लॉस हो रहा है इससे। हाँ अभी स्कूल तो वैसे शुरू हो गई है लेकिन फिर से ये आ रहा है कि बंद हो सकता है शायद, तो इसलिए स्कूल के बच्चों का बहुत लॉस हो रहा है। तो हमारा भी यही कहना है कि अभी नॉर्मल लाइफ बच्चों के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि जब हमने ऑब्जर्व किया तो 2 साल से स्कूल बंद है,
और अभी जब बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो बच्चों का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। मजे की बात है कि स्कूल तो बंद है लेकिन दारू पीना सब चालू है, वो बहुत जरूरी है सरकार के लिए, है ना। दारू चालू रहेगा लेकिन एजुकेशन नहीं रहेगा। काफी ऑलरेडी हमारे एजुकेशन सिस्टम काफी पीछे है बाकी कंट्री से, लेकिन फिर भी अभी भी दो साल से एजुकेशन सिस्टम कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन एजुकेशन कौन कितना बता पाएगा, कौन कितना सीखेगा। लेकिन दारू सबको मिलनी चाहिए, वो सबसे जरूरी है, मूलभूत में आता है वो दारू। नागरिकों से भी VKB News की अपील है कि वो राज्य सरकार ने जो गाइडलाइंस लगाई है उसका अनुपालन करें।